तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका अपना दोस्त आकाश और हम लोग देख रहे हैं स्टडी विथ आकाश। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बर्जीलियस हाइपोथेसिस की, जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था, तो हम लोग पिछली वीडियो में उसकी बातें कर रहे थे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओहलर सिंथेसिस। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और ओहलर सिंथेसिस के बारे में जानते हैं। ठीक है, ओहलर सिंथेसिस क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ओहलर सिंथेसिस क्या होती है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बर्जीलियस के शिष्य थे एक ओहलर, जैसे कि हम लोग याद करने के लिए कह सकते हैं बर्जीलियस के शिष्य हैं, और वो शिष्य थे भी ओहलर्स, जिन्होंने बर्जीलियस जी ने कहा था कि हम लोग किसी भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग मतलब लैब में नहीं बना सकते हैं, उसको सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। तो ओहलर उनका जो शिष्य था उसने इस बात को गलत साबित कर दिया दोस्तों, उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ओहलर सिंथेसिस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ओहलर ने क्या किया, ओहलर ने किया अमोनियम सल्फेट को लिया, NH4SO4 अमोनियम सल्फेट को लिया और उसको पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्शन करवाया। ठीक है, केशियनों के साथ रिएक्शन करवाया, तो उन्होंने क्या देखा, अमोनियम साइनेट बन रहा है। ठीक है, अमोनियम साइनेट बन रहा है जो कि उसके बाद उसमें तुरंत रीअरेंजमेंट हो जा रहा है, वो टिक नहीं रहा है, एक स्टेबल कंपाउंड नहीं बन रहा है, उसको गर्म करने पे तुरंत रीअरेंजमेंट हो जा रहा है और वो NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है दोस्तों, NH2CO NH2 जो कि यूरिया होता है उसका फॉर्मेशन कर देता है, तो जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, रिजल्ट जो बनता है वो NH2CO NH2 यूरिया बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब, ठीक है, जो लैब में बनाया गया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वो NH2CO NH2 यूरिया है। तो ओहलर ने बर्जीलियस जी की वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित कर दिया, उन्होंने NH2CO NH2 का फॉर्मेशन कर दिया लैब में, जो कि बनाया गया, सिंथेसिस किया गया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो अब मैं बात करूंगा उसके क्लासिफिकेशन की। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई भी किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की बात हम लोग करते हैं। तो उन्हें पहला तो ये ओपन चेन कंपाउंड में बांटा गया है, जिसे ओपन चेन कंपाउंड को हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड को, उसमें चेन नहीं बनती है। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड को हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं। और दूसरा जो है उन्होंने बांटा है वो साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, एक ओपन चेन कंपाउंड है, एक चेन के रूप में रहेगा, और एक साइक्लिक कंपाउंड है, वो साइकिल के रूप में रहेगा, मतलब वो कहीं ना कहीं से बंद रहेगा, वो कहीं से मतलब क्लोज टाइप की एक शेप रहेगी, ऐसे क्लोज टाइप की शेप रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो साइक्लिक कंपाउंड हो गए, ओपन चेन कंपाउंड हो गए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साइक्लिक कंपाउंड जो होता है उसको फिर फर्दर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक का मैं मतलब बताना चाहूंगा, एक ट्रिक है, होमोसाइक्लिक का मतलब होता है एक जैसे, मतलब जो एक जैसे होते हैं उन्हें होमोसाइक्लिक कहा जाता है, जो साइकिल एक जैसे होते हैं। ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, जो डिफरेंट होते हैं उन्हें हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं, हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, अलग। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम्पल में, होमोसाइक्लिक के एग्जाम्पल है होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक, ये जैसे आपने रिंग देखा साइक्लिक है, ठीक है, और फिर ये आपने रिंग देखा होमोसाइक्लिक, नॉन एरोमेटिक। अब मैं बताना चाहूंगा एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, जैसे इसमें भी देख लीजिए, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के एग्जांपल, होमोसाइक्लिक के आपने देख लिया, हेट्रोसाइक्लिक के एग्जांपल देख लिया आप लोग, पहले एग्जांपल्स देख लीजिए। हेट्रो से जैसे कि ये साइकिल में एक हेट्रो एटम आ गया, इसीलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। ठीक है, ये देखिए साइकिल में एक ऑक्सीजन हेट्रो एटम आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन हेट्रो एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन हेट्रो एटम है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया, ये नॉन एरोमेटिक। अब मैं आपको बताता हूँ एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कैसे हम लोग पहचानते हैं, एक मोटा मोटा तरीका आपको बताना चाहूंगा। अगर रिंग में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये एक अल्टरनेट क्रम में है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो इसे हम कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एक मोटा मोटा आपको बताना चाहूंगा, मैं फर्दर आपको ये मतलब एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पहचानते हैं एरोमेटिक और एलिफैटिक। इसमें इस वीडियो में मैं आपको मोटा मोटा बताना चाहूंगा कि अगर अल्टरनेट बॉन्ड है डबल सिंगल तो ये एरोमेटिक होता है। ठीक है, और ये अगर नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे देखिए, अगर जैसे डबल सिंगल 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 डबल आ गया तो ऐसे नहीं होता है, अगर वो अल्टरनेट है एक के बाद एक तो ही एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।